নমস্কার, দেখছেন হেডলাইন্স ত্রিপুরা। হেডলাইন্স ত্রিপুরার বিশেষ অনুষ্ঠান সাফ কথায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুতপা। আজকের আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সাইবার ক্রাইম, যে বিষয়টা নিয়ে গোটা দুনিয়া চিন্তিত, যে বিষয়টা নিয়ে প্রতিদিন একের পর এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে যারা এই সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের কাছে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইমে তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। সাইবার সেল গঠন করা হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশে, তাদেরকে ইতিমধ্যে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। যখন গোটা দেশ তথা গোটা দুনিয়া ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের দিকে এগোচ্ছে, তখন একটাই বাধা, সেটা হচ্ছে এই সাইবার ক্রাইম। তার থেকে উত্তরণের কি পথ রয়েছে, বা যখনই এই সাইবার ক্রাইমে আমরা নিজেরা কোথাও আক্রান্ত হব, তখন কি উপায় রয়েছে, পুলিশের দ্বারস্থ আমরা কিভাবে হতে পারি, বা তার পরের পদক্ষেপে বা কি রয়েছে, এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা সাইবার সেলের এসবি তথা আইপিএস অফিসার সরস্বতী আর। ম্যাডাম, ওয়েলকাম টু হেডলাইন্স ত্রিপুরা। থ্যাংক ইউ। পহলে জো বাত মে জাননা চাহতি হু কি সাইবার ক্রাইম, জেসে লোগো কো পতা হ্যায় আচ্ছা ঠিক হ্যায় সাইবার ক্রাইম, পিপল আর নাও মোর ক্যা বোলে ইসকো, পিপল আর নাও মোর curious about that, ki kya hoga mera, aur cyber crime word hi aisa hai ki challenging hoga hai sabke liye. To pehle janna chahti hu ki cyber crime ke liye Tripura government mein aur Tripura police ne jo step liya hai wo kya hai. Pehle to aapne bola, correct bola, ki cyber crime word hi itna complicated lagta hai ki logon ko kam hi jankari hoga ki kya cyber crime ho sakta hai aur kya nahi ho sakta hai. Hamara jo IT act hai usme ye likha hai ki cyber crime koi bhi aise क्राइम है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ हो, या तो कंप्यूटर से वो बात करे, या तो हमारा कंप्यूटर हैक करे, या बीच में कोई कंप्यूटर यूज़ करे. इसके अंदर लगभग ट्रेडिशनल क्राइम भी इसी के अंदर आ जाता है. तो ये हुआ साइबर क्राइम, और इसको टैकल करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक्शन लिया है. सो वन ऑफ द एक्शन ये है कि हमने नवम्बर 2018 में SP साइबर क्राइम का नोटिफिकेशन हुआ है. इसके अंडर हमने एक सेल भी शुरू किया है जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग चलता है, और हम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेल्स में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में केस रजिस्टर होता है. जैसे अभी रिसेंटली में भी कुछ एंटी नेशनल पोस्ट्स अगर फेसबुक में डाला है तो उसका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में भी हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हेल्प करता है. जैसे कि हम देखते हैं कि अगर बैंक से कोई मैसेज आते हैं, और बैंक और लॉटरी ये दोनों ही बहुत कॉमन है, यू ओन रुपीज़ 2 लाख, जस्ट कॉल ऑन दैट नंबर, ऐसे फ्रॉड के लिए क्या करना है? ठीक बोला आपने कि ये मैसेज अभी सबको आना शुरू कर दिया है. जैसे कुछ लोग हैं उनको पता रहता है कि ये तो ऐसे ही फ्रॉड टाइप का मैसेज होगा, या तो मिसचीवियस मैसेज होगा, और वो उसको कोई एक्शन नहीं लेते हैं. और कुछ लोग हैं कि फर्स्ट टाइम अगर वैसे मैसेज आता है तो यकीन करके उसके साथ ट्रांजैक्शन में उसको फ़ोन जहां पे लिखा है कि आपका ये लॉटरी लगा है, आप इस नंबर पे कॉल करिए अपना लॉटरी का अमाउंट क्लेम करने के लिए. तो आप पहले ये सोचिए कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा भी था कि नहीं खरीदा था. अब इतने लोग लॉटरी का टिकट खरीद के अगर लॉटरी नहीं पाते हैं, तो आपने अगर टिकट ही नहीं खरीदा तो आपको कैसे लॉटरी लग सकता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप रखिए. तो ये सारे फ्रॉडस्टर्स जो आते हैं अभी इस टाइप का साइबर क्राइम में, तो वो काउंट वो उनको एक्सपेक्टेशन दो चीज़ का रहता है. एक है कि आप में थोड़ा सा लोभ रहे, जो हर इंसान में रहता है, और थोड़ा सा इग्नोरेंस रहे, मतलब जानकारी कम रहे. ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन है तो वो आपसे बात करेंगे कि मान लीजिए आपको 25 लाख का लॉटरी लगा है, वो आपको नेक्स्ट आपने अगर कॉन्टैक्ट उधर किया तो वो बोलेंगे कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, या तो करेंसी कन्वर्जन करना है क्योंकि वो डॉलर में लॉटरी लगा है आपका. और ऐसे आपको उलझा के 10,000-12,000 करके आपको बहुत सारा पैसा ले लेंगे. आपको हमेशा ये दिखता रहेगा कि 25 लाख का लॉटरी लगा है, तो इसमें से 50,000 देना तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट आपको आपका 50,000 भी जाएगा और 25 लाख भी नहीं आएगा. तो ये इसमें ना पड़े. और सेकेंड टाइप का जैसे बोला आपने कि लॉटरी के साथ एक और आता है आपको बैंक का भी आता है कि आपको जो भी करंट सीजन में चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी है कि डिजिटल इंडिया है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू एवरीथिंग, तो आपका आधार नंबर कनेक्ट करने का कोशिश होगा, आपका पैन कार्ड नंबर कोशिश होगा, तो वो आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि आपका आधार नंबर कनेक्ट करना है,
तो आप जो है ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपको ऐसे कोई भी कॉल आता है तो आपका सेफ्टी के लिए आप ऐसे कोई भी डिटेल ना ही दे। ऐसे फ़ोन पे अगर कोई भी आके आपको फ़ोन में बोलता है कि वो RBI का गवर्नर है या तो SBI का मैनेजर है या UBI का मैनेजर है, तो आप एक बार ही चिंता कर लीजिए कि आपने पहले ऐसे कोई कभी डिटेल दिया है क्या। आपको थोड़ा सा भी हिचकिच होता है तो आप उसको रख दीजिए फ़ोन, और आपका अगर खुद का बैंक है उधर आप जाके डिटेल दे दीजिए। फ़ोन पे आप अपना कोई भी डिटेल ना ही डिस्कस करें ना ही शेयर करें। डाउट आता है तो रख दीजिए, आपका बैंक आपका ब्रांच बगल में ही होगा, आपको आधा घंटे में जाके वो डेटा दे सकते हैं। और इसके साथ जो ट्रेंडिंग में आ रहा है वो है जॉब ऑफर, जैसे कि आते हैं यू गॉट जॉब इन IBM, यू गॉट जॉब इन इन्फोसिस, लाइक दैट। तो इसमें क्या, कुछ दिन पहले हमने देखा है कि साउथ त्रिपुरा में होगा एक लड़का का, उसका आया कि प्रधानमंत्री ने उसे भेजा है एक स्किल डेवलपमेंट में, उसे जॉब मिला है। ऐसे फ्रॉड के लिए क्या करना है? तो जैसे ये सारे फ्रॉड जो है साइकोलॉजिकली आपको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं। सबके मन में एक कुछ डिज़ायर रहता है, या तो एक्स्ट्रा मनी के लिए या तो एक्स्ट्रा जॉब ऑफर के लिए। तो आप अगर ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपने कहीं कहीं पे आपका जॉब का रेज्यूमे CV वो शेयर किया होगा, तो ये उनको भी पता चल जाता है जो फ्रॉड करते हैं। वो भी क्विकर में, Naukri.com पे, Monster.com पे, सब जगह चेक करते हैं कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो इसमें आपका पूरा डिटेल्स है, वो आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि इतना जॉब ऑफर दे देंगे। तो यूजुअली क्या होता है, अभी इंसिडेंटली आपने इन्फोसिस और IBM मेंशन किया, वो दोनों कंपनी में मैंने भी काम किया है। तो मुझे जब ऑफर मिला तब इंटरव्यू लेने के लिए कैंपस में कंपनी आया था, फिजिकल इंटरव्यू चलता है उस चीज़ के लिए, और उसके बाद हार्ड कॉपी लेटर आता है घर पे कि आपका ये जॉइनिंग डेट है और यहाँ पे आइए। और उस दिन में हम जाके बेंगलोर का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस है उसमें जाके ज्वाइन करते हैं। यूजुअली हर कंपनी ऐसे ही जॉब ऑफर देता है। मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरव्यू या रिटर्न एग्जामिनेशन या ज्वाइनिंग में पैसा नहीं लगा था। मतलब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या ज्वाइनिंग फीस या कोई भी अलाउंसेस ऐसे करके कुछ डिपॉजिट करने का नहीं आएगा। रिसेंटली आपने साउथ त्रिपुरा का बोला, यहाँ पे एक और कंप्लेनेंट आए थे, उन्होंने TIT में इंजीनियरिंग किया था और उन्होंने भी शेयर किया था अपना डिटेल्स क्विकर पे। तो उनको भी ऐसे ही जॉब ऑफर आया और उन्होंने बोला कि आपका कुछ लीगल फीस लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, वेरिफिकेशन लगेगा, उसके लिए उन्होंने ओवर 50,000 ले लिया था। तो आप मान के चलिए कि अगर कोई भी पैसे मांग रहा है तो इंसान सामने तो आए, ऐसे नहीं चलता कि वो फ़ोन पे इंटरव्यू ले लिया था इनका और ऑफर भी उधर ही ईमेल से दे दिया था। कोई भी ईमेल 5 मिनट में क्रिएट करके 5 मिनट में ऑफर लेटर भेज सकता है आपको। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा कि रोड में अगर कोई भी आके अनजान व्यक्ति ने आपसे 50,000 मांगा तो आप तो नहीं देते हो, तो फ़ोन पे मांगा तो क्यों दे देते हो, कुछ भी बोले, ठीक है ना। तो ये एक और फ्रॉड है। एक और टावर का फ्रॉड है, वो भी आपको जानकारी होगा कि बहुत सारा मैसेज ऐसा आता है या तो फ़ोन कॉल आता है कि आपको बोलेंगे कि आपका अगर कोई भी ज़मीन है, अपना खुद का घर है, तो वो कोई भी कंपनी का जियो, एयरटेल, एयरसेल जो भी है उसका टावर लगा देंगे और आपको 30,000 या 40,000 पर मंथ बिना कुछ करे आता रहेगा। तो इस पे भी शायद ये ओरिजिनल मतलब जेन्युइन हो सकता है, पर डिपॉजिट के लिए अगर कोई भी मांगता है तब आप चेक कर लीजिए। ये अगर टावर फ्रॉड बहुत पैसा जा रहा है तो आप चेक कर लीजिए कि ये कौन है और इसका ऑफिस कहाँ है। वो आपसे मिले तो सही, 30,000 फ़ोन पे तो नहीं देगा वो। वो आपसे मिले, जगह का चेक करना पड़ेगा, अगर टावर का आपको लोकेशन लगाना है वो बगल में और कोई टावर ना रहे वो भी तो चेक करना पड़ेगा। बेसिक प्रिकॉशन तो ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि और एक है जो हमारे दफ्तर में बहुत सारी ऐसे शिकायत भी आई है कि एयरपोर्ट में जॉब, क्योंकि एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग फैसिनेटेड होते हैं। अच्छा ठीक है, ग्लैमरस वर्ल्ड है, वहाँ पर मुझे जॉब मिल जाएगा। एयरपोर्ट जॉब बोलते हैं वहाँ से लोग, ऐसे आपने जैसे बोला कि इतना पैसा डिपॉजिट करना है उसके बाद यू गॉट ए जॉब फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में अगर कुछ। इतना मतलब लुक्रेटिव जॉब है, जैसे एयरपोर्ट का जॉब है, लुक्रेटिव जॉब है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू जॉइन दैट काइंड ऑफ अ जॉब है,
तो आपको इतना आसानी से फोन पे तो नहीं मिलेगा वो, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरव्यू जाना पड़ेगा आपको ऑफिस में, आपको चेक करेंगे, आपके स्किल्स चेक करेंगे, तब भी मिलता है। तो इतना आसानी से कुछ मिल रहा है तो आप बहुत ही केयरफुल रहिए। और एयरपोर्ट आपने बताया तो एक और आया मोडस ऑपरेंडी मन में कि एक जन है जो इधर फोन कर रहा है बहुत सारा स्टोर्स में, जैसे एसी जो एयर कंडीशनर का दुकान है उधर इन्होंने फोन करके बोला है कि वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एसी खरीदना चाहते हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे। तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है उनका, पर हमने रिकवरी चालू किया है तो वी आर एबल टू रिकवर सम ऑफ द अमाउंट। ऐसे ही एक और जन ने बोला है कि रिटायरमेंट जो जाएंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके लिए एक व्हीकल दिया जाएगा, तो वो व्हीकल का वेंडर के पास जाके बोलेंगे कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट और टेंडर के लिए पैसे दे दो, उनका भी लाखों रुपए चला गया है। तो ऐसे ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है कि आपको वो आएंगे और आपका दुकान से कुछ टेंडर के लिए लुक्रेटिव टेंडर बोलेंगे और उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे ऐसे पैसे मांग लेंगे, तो उसको भी केयरफुल। जैसे आपने बताया कि जॉब फ्रॉड जो होते हैं, बैंक के जो होता है, आज के दिन में जो बहुत चैलेंजिंग है वो है साइबर क्राइम पर सोशल मीडिया। जैसे कि हम देखते हैं ट्रॉलिंग होता है, वो ट्रॉल हर किसी का होता है, ट्रॉल होता है और ऐसे धमकी आते हैं, उसे देखते हैं कि साइबर क्राइम अब क्या होता है। वो क्राइम अगर हम सोच ले कि यहाँ पर वहाँ पर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम एक नंबर पर चला गया है, तो उसके बारे में अगर कुछ बोले। आपने जो बोला कि अभी साइबर क्राइम सोशल मीडिया, लोग अभी सब सोशल मीडिया पे चला ही जा रहा है और अच्छी बात है। तो इसमें थोड़ा सा आप जो भी नया सामान करते हैं थोड़ा केयरफुल रहे, देर आर ऑलवेज थोड़ा सा मिस्चीवियस एलिमेंट, एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो ट्रोलिंग करेंगे, इरिटेट करेंगे, एनॉय करेंगे, इससे रिएक्शन काफ़ी ख़राब हो सकता है। बहुत सारे कंप्लेनेंट्स हमें आए हैं, मोस्ट ऑफ देम फीमेल, बट कुछ मेल कंप्लेनेंट्स भी, कि उनका फोटो, उनका नाम, उनका फोटो मिस यूज़ करके फेक अकाउंट बनाया है और उसको यूज़ करके नॉट सो गुड पोस्ट एंड इमेजेस पोस्ट हो रहे हैं। तो आपको अगर पता चले कि आपका नाम से ऐसे कोई कर रहा है तो आप तुरंत हमारा साइबर सेल कांटेक्ट करें। वो पहले हमने जो डिस्कस किया अब तक, ओटीपी फ्रॉड और बैंकिंग फ्रॉड, टावर फ्रॉड, जो भी है हम जज नहीं करेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, फ्रॉड हो जाता है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द चीट इज़ वेरी गुड, नॉट कि जो विक्टिम है उसको ना ज़्यादा दोष दें, क्योंकि द करेंटली जो प्रोफेशनल फ्रॉडस्टर्स हो गए हैं उनका क्वालिटी इतना अच्छा है कि वो आपने फ़ोन उठाया और थोड़ा सा बात किया तो आपका पैसा लेने का पूरा क्षमता रखता है। तो आपका अगर पैसा चला गया, आपका फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव्स प्रोफेशनल कोलीग्स जिसका भी ऐसे खो गया है, तो आप हमारा लैंडलाइन जो साइबर सेल का है उसमें कॉन्टैक्ट करिए ताकि हम जल्द से जल्द उसको रिकवरी करने का प्रोसेस चालू करें। और हमने लाखों रुपए रिकवर भी किया है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि ओटीपी फ्रॉड में अगर पैसा चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता, ये हमने स्टॉप कर दिया है। तो हमारे पास करंट फिगर्स ये हैं कि 4.6 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा पैसे वापस आ गए हैं और भी बहुत सारे वापस आने का चांस है। ये इसीलिए थोड़ा सा कम है, जो हमारा टोटल अमाउंट गया है उससे इसीलिए कम है क्योंकि हमें बहुत डिले के बाद ये कंप्लेंट आता है, तो उस टाइम पे उसने पूरा जो फंड्स हैं उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो आप जितना जल्दी साइबर सेल को कांटेक्ट करेंगे उतना जल्दी आपको उसको रिकवर करने का चांस होगा। ऐसे क्या होता है त्रिपुरा में लोगों का काफ़ी क्रोध है इस विषय में कि साइबर क्राइम जो है, साइबर सेल इतना स्ट्रांग नहीं है, लोग कंप्लेन करते करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते उसका। तो अभी हमने फिलहाल देखा है कि साइबर सेल के लिए, साइबर क्राइम के लिए बहुत सारे सरकार ने, और जितनी भी आपने जैसे बोला है कि बहुत सारे ऑफिसर्स को अभी ट्रेनिंग दे जा रही है, तो उसमें क्या रहे नया क्या रहा है? साइबर क्राइम अभी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम टैकल करने के लिए पुलिस भी अभी उसका स्ट्रेंथनिंग चल रहा है। हम ये नहीं मानेंगे हम ऑलरेडी 100% कंप्लीटेड है, वो हम भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, पर इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल हमारा थाने तक
सब जगह पे चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने CCPWC स्कीम है जिसके अंदर ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन है, जिसमें उसमें cybercrime.gov.in उसमें एक पोर्टल खोला है जहाँ पे आपने जैसे बोला कि ये फेसबुक पे वीडियोस शेयर कर देते हैं या तो इनका व्हाट्सएप में अनवांटेड वीडियोस आते रहते हैं जो एक्सप्लिसिट कंटेंट रहता है, तो उसको आप कंप्लेंट सीधा उस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पे करने से हमारे सेल में सीधा आ जाएगा और इसके नोडल ऑफिसर भी रहते हैं हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स में और वो उसको डील करेंगे और वो उस कंटेंट को निकलवाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि SP साइबर क्राइम का नोटिफिकेशन करके हमें बहुत सपोर्ट मिला है और उसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए फंड्स भी प्रोमिस्ड हैं और 1 करोड़ से ऊपर फंड आया है साइबर क्राइम का फोरेंसिक्स लैब सेटअप करने के लिए जो प्रोसेस में है और तुरंत हो जाएगा। और रहा हमारा खुद का पुलिस का इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट और ऑफिसर्स का लेवल पे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चल रहा है। ये साइबर क्राइम जो है ये काफ़ी नया फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स का बहुत ज्ञान होना चाहिए और जो सामान सीज करना है, सर्च करना है। अभी जैसे कुछ लोग खाली फीचर फ़ोन मतलब नॉन स्मार्टफोन जो है उसको यूज़ करते थे, उनको भी हमें एजुकेशन देना पड़ रहा है कि ऐसे कंप्लेंट आने पे क्या करना है। तो हर लेवल पे अभी हमारा कांस्टेबल तक हमने ट्रेन कर रहे हैं कि साइबर क्राइम अगर रिपोर्ट होता है तो उसको कैसे उसको ट्रीट किया जाए और उसको नेक्स्ट स्टेप कैसे उसको रिकवर किया जाए, या अगर फेसबुक पे अगर कोई कंटेंट है, व्हाट्सएप पे कंटेंट है तो उसको कैसे निकाला जाए, तो ये सब ट्रेनिंग चल रहा है। तो 100% वर्किंग 100% नहीं, कंप्लीशन तो नहीं हुआ है, वी आर नॉट वेयर वी वॉन्ट टू बी, बट वी आर सर्टनली ऑन द करेक्ट रोड एंड गोइंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स इट। हमारा साइबर सेल जो है, साइबर क्राइम SP साइबर क्राइम का ऑफिस जो है, नोटिफाई ही हुआ है नवंबर 2018 में और 3 महीने में हम इतना एक्टिविटी करे हैं कि 70 लाख से भी ऊपर हमने ये OTP फ्रॉड का जो है डेटा कलेक्ट किया है, उसमें से काफ़ी सारा हमने अमाउंट रिकवर किया है। बहुत पुराना अगर कंप्लेंट है तब भी हमने उसको लिया है ताकि हम उसका मोडस ऑपरेंडी स्टडी करें और हमारा इन्वेस्टिगेशन में फ़ायदा हो, और अभी केसेस ट्रांसफ़र भी होने शुरू किए हैं साइबर क्राइम में ताकि हम इन्वेस्टिगेशन स्टेज में भी उसको लें। तो इट इज़ ऑन अ गुड रोड। जैसे कि हमने देखा है त्रिपुरा में ऐसे 2-3 इंसिडेंट अभी हो चुका है कि जैसे कोई भी वीडियो अनवांटेड फोटो वायरल हो जाता है। अगर हम रिसेंट माधव भड़े का जो इंसिडेंट है वो अगर पकड़ ले, ऐसे में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि 1-2 ऐसे फिगर होता है, वो लोग चाहते कि कुछ हो और उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके उनको पनिश देने के लिए, जैसे हमने देखा पुलवामा अटैक के बाद जो प्रो पाक एक पोस्ट किया था, त्रिपुरा पुलिस वो उसको अरेस्ट भी किया है, आई फॉरगॉट हिज नेम, संदेव वर्मा फ्रॉम कर्नाटका ही अरेस्टेड। तो ऐसे विषय में क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये साइबर क्राइम जो सोशल मीडिया में आता है इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट, क्योंकि फेसबुक में एक पोस्ट डाल देने से वो इंस्टेंटली पूरा दुनिया को शेयर हो जाता है और पीपल आर ऑल्सो वेरी इम्पल्सिवली रिएक्टिंग टू इट। तो हमें ये भी दो साइड से करना है कि ये जब इंसिडेंट इंसाइट कर देते हैं तो इस इंसिडेंट में मोस्ट हर्ट जो होता है वो इनोसेंट पब्लिक ही है। अब गाड़ी बंद हो गया या दुकान बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, तो वो जो इनसिक्योरिटी का फीलिंग है उसमें मोस्ट अफेक्टेड भी पब्लिक ही हैं। तो 1-2 एंटी सोशल एलिमेंट्स जाके अपना मैलिफाइड या मिस्चीवियस इंटेंट से अगर शेयर भी कर देते हैं तो हमें ही सावधानी बरतना पड़ेगा एज अ पब्लिक पर्सन कि ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये लोग वायलेंस का कुछ इंसिडेंट शेयर कर देते हैं, कुछ इंसिडेंट में जैसे पुलिस पब्लिक इंसिडेंट में उन्होंने शेयर कर दिया था, कोई उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस और पब्लिक का जो इंटरेक्शन था वो फोटो उन्होंने सीधा उठा के दिखा दिया कि धर्मनगर में TSR और पब्लिक के बीच में रिलेशन करके। तो आप जब भी ये देखते हैं तो रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा आप सावधानी रख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए कि ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
और अगर डाउट है तो आप त्रिपुरा पुलिस का ही एक वेबसाइट है, फेसबुक है, जहाँ पे आप हम वी विल ऑल्सो ट्राई टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, तो आप रिएक्ट उसी पे करें और इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। और त्रिपुरा वासी जो लोग अभी देख रहे हैं हेडलाइंस त्रिपुरा की, चलिए तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये है कि डिजिटल इंडिया इज़ हियर एंड इट इज़ हियर टू स्टे। आपको भी डिजिटल बनना है क्योंकि आपका लाइफ विल बी मच स्मूथर एंड बेटर व्हेन यू यूज़ डिजिटल टेक्निक्स, बट यू हैव टू यूज़ प्रिकॉशन एंड यू हैव टू बी अवेयर कि आपको अगर कुछ अनबन हो गया, इंसिडेंट हो गया, तब आपको कहाँ जाना है। आप सीधा आइए त्रिपुरा पुलिस का साइबर क्राइम सेल के पास, आपको नंबर तो पता ही है 0381-230-4346 एंड वी आर हियर टू हेल्प यू एन्जॉय द डिजिटल इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। একেবারে আমরা আজ এই বিষয়টা জানলাম, ডিজিটাল দুনিয়ার দিকে এগোচ্ছি আমরা এবং সেদিকে এগোতে গিয়ে সাইবার ক্রাইম আমাদের কোনো রকম বাধা হবে না, এবং যখনই আমরা এই সমস্ত বিষয় দেখব, মোবাইলে মেসেজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু, তখন নিজে একটু যাচাই করে নেব সেই বিষয়টা, কারণ সতর্কতাই সাইবার ক্রাইম শেষ করার মূল বিষয় এবং সেই সতর্কতা অবলম্বন করে এগিয়ে যাব আমরা, সেই প্রত্যাশাই থাকবে। নমস্কার।